तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं खिचिया पापड़। उसके लिए सबसे पहले खिचू बना रहे हैं, गुजराती खिचू। कैसे बनता है, क्या प्रोसेस रहती है, क्या नाम रहता है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे वीडियो में, अंत तक बने रहिए। आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाली दो चीजें हैं, एक तो ये गर्मा गर्म खिचू और दूसरा है अमेजोन पे से विंटर की शॉपिंग। तो खिचू की प्रिपरेशन तो चालू ही है, लेकिन हमने विंटर स्पेशल अमेजोन से इस बार क्या क्या चीजें ऑर्डर की है, चलिए पहले वो दिखा देते हैं। हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है पुमा के स्निकर्स, जो कि है वेलवेट मटेरियल और पहनने में लुक में सब में कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव है। उसके बाद है वैन हुसेन का स्वेट शर्ट, जो कि 85% कॉटन मटेरियल है, राउंड नेक और लॉन्ग स्लीव के साथ रेगुलर पहनने में परफेक्ट है। फिर है अकाची का स्लिम ब्लैक जीन्स, जो ऑल टाइम फेवरेट है। उसके बाद है एलन सॉली का हुडी, जिसमें ब्लॉक प्रिंट है और कलर भी मस्त है। वैन हुसैन का स्लिंग बैग, पिंक कलर, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स और स्पेस भी काफी है, रेगुलर यूज करने के लिए परफेक्ट है। फिर है विंटर ट्रैक पैंट, जिसमें पॉकेट्स भी है और पहनने में मटेरियल भी बहुत अच्छा है। तो इसमें से कोई भी चीज अगर आपको भी ऑर्डर करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पानी ले लिया है, 30 लीटर जितना पानी ले लिया है, 10 किलो जितना खिचू बनने वाला है। पुराने तरीके से चूल्हे पे हम खिचिया पापड़ बना रहे हैं। पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद यहाँ पे हमारा पानी उबल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, अजवाइन और जीरा। 200 ग्राम जितना हमने यहाँ पे नमक लिया है और 50 ग्राम जितना अजवाइन और 100 ग्राम जितना जीरा। तो यहाँ पे जीरा, अजवाइन और नमक आधे घंटे बाद उबल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची। कितनी हरी मिर्ची लेंगे? 2 किलो। अब हम इसमें ऐड करेंगे पापड़ खार। बेकिंग सोडा टाइप होता है, लेकिन बेकिंग सोडा नहीं है। 200 ग्राम जितना पापड़ खार हमने यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पे आ गया है चावल का आटा, 10 किलो जितना चावल का आटा लिया है और 1 कप जितना गेहूं का आटा इसमें मिक्स किया हुआ है पहले से। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मिक्स करते रहना है। 10 किलो हमने चावल का आटा लिया है और इसमें 1 कटोरी जितना गेहूं का आटा लिया है। और 10 किलो में 200 ग्राम जितना साबुदाना लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। काफी मेहनत का काम है, ऐसे नहीं होता है। तो नीचे आपने जो प्रोसेस देखी वो थी खिचू की, और अब यहाँ पे बन रहा है पापड़। तो सबसे पहले इसके लुइए बनाए जा रहे हैं। Thank you.
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 केजी जितने खिचिया पापड़ हमने सुखाने के लिए छोड़ दिए, शाम तक सूखेंगे, उसके बाद इसको कलेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट कर देना और अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी हमें कमेंट में बताना। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, कोई नए खाने के साथ। तब तक के लिए बाय।